हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीटी से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है आपका फायरवॉल। फायरवॉल टॉपिक इसलिए आज की वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे आईसीटी से जुड़े क्वेश्चन डेली हम आपको देते हैं और उस पर आपका रिस्पॉन्स मिलता है। तो फायरवॉल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हमने दिया और उस पर रिस्पॉन्स आपका मिला, तो बहुत सारा रॉन्ग रिस्पॉन्स उस पर हमको दिखा है आप सभी के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया। तो हमें लगता है कि फायरवॉल पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए जिससे कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो उसका आप करेक्ट आंसर दे सकें, ठीक है। तो फायरवॉल देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है ऑलरेडी देखा था अवेलेबल होता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप जाते हैं और सेटिंग में जाते हैं तो वहां पे फायरवॉल अवेलेबल होता है। और फायरवॉल वर्क क्या करता है, फायरवॉल जो होता है ये आपके सिस्टम तक देखा जाए नेटवर्क के रास्ते किसी दूसरे की पहुंच को देखा जाए रोकता है। यानी अगर आपको जो चीजों की नीड है, ठीक है, वही चीजें आप तक पहुंचे ना कि किसी और का देखा जाए तो आपके कंप्यूटर तक एक्सेस हो, तो ऐसे चीजों को वो रोकता है, फिल्टर करता है। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में देखा जाए आपके बिना देखा जाए बिना आदेश के, अब आपके बिना कमांड के कोई आपके नेटवर्क के रास्ते चुपके से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपके देखा जाए डेली एक्टिविटी आपके इंफॉर्मेशन को देखा जाए एक्सेस करता है, तो ऐसे देखा जाए आपके लिए ये खतरनाक स्थिति हो जाती है। आपके डेटा को चुराया भी जा सकता है, आपके देखा जाए सिस्टम को हैक भी किया जा सकता है। तो ऐसी चीजों को देखा जाए तो फायरवॉल रोकता है ताकि आपको आपके कंप्यूटर पर किसी दूसरे का पहुंच ना हो जिससे कि आपकी डेटा इत्यादि चोरी ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए फायरवॉल आपका वर्क करता है एक सॉफ्टवेयर के रूप में जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो फायरवॉल का देखा जाए दो रूप में वर्क होता है, एक हार्डवेयर के रूप में सॉफ्टवेयर देखा जाए के रूप में जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर के रूप में आपका फायरवॉल वर्क करता है, और एक होता है आपका हार्डवेयर के रूप में। तो फायरवॉल का दो टाइप है, एक हार्डवेयर फायरवॉल और एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, और आपका हार्डवेयर फायरवॉल क्या है आपको बता दें। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सिस्टम है या आपके पास 4 ही सिस्टम है या 2 ही सिस्टम है, ठीक है, और आपका सिस्टम देखा जाए किसी एक राउटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसी राउटर से आपको इंटरनेट मिल रहा है, उसी राउटर से आपको देखा जाए तो नेटवर्क का कनेक्शन मिल रहा है, तो उसी राउटर में देखा जाए तो आपका फायरवॉल इनेबल कर देने पे आपका देखा जाए तो पूरा का पूरा हर सिस्टम को देखा जाए फायरवॉल प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे में जो राउटर है वो एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर में आपका फायरवॉल वर्क जब करने लगता है तो वो एक फायरवॉल देखा जाए हार्डवेयर डिवाइस के रूप में यहां पे आएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो आपके कंप्यूटर तक देखा जाए अनवांटेड एक्सेस को रोकने के लिए वो राउटर फायरवॉल का वर्क करने लगता है पहले ही, तो वो एक हार्डवेयर है और आपके कंप्यूटर में जो फायरवॉल वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके दो प्रकार के फायरवॉल हो गए, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। और फायरवॉल बेसिक रूप में आप जरूर समझ जाइए कि क्या है फायरवॉल, वो यही है कि अनवांटेड एक्सेस को आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकता है और साथ में आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाले थीप को, चाहे वो कोई भी चीजें आपको कंप्यूटर में चुराए हैक करे, जिससे कि आपको प्रोटेक्ट करता है। बेसिक चीजें यही है, आपको सिक्योरिटी के रूप में वो वर्क करता है, फिल्टर करता है अनवांटेड एक्सेस को, और जो चीजें आप तक चाहिए वही चीजें आप तक पहुंचाता है, ठीक। तो आशा करते हैं फायरवॉल के बारे में इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गया होगा। इससे जुड़ा कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।